उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और सीन ये है आज का कि अब हम आज दुबई मॉल के लिए निकल चुके हैं, दुबई मॉल के लिए, क्योंकि वो भी देखना था हमने, बोला चलो जब फारग हैं तो देख ही लेते हैं ये भी। दुबई मॉल के लिए हम निकल चुके हैं और यहाँ तो रात रात है और मेरे ख्याल से 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे दुबई मॉल आएगा। एंड वो लाइन लगी है यहाँ पर मेट्रो पे भी, हम फिलहाल तो मेट्रो पे हैं, सो देखते हैं। इस मॉल की खास बात यह है कि मेरे ख्याल से यहाँ अलबैग ब्रोज भी मिलता है जो कि बहुत फेमस है यहाँ पर। तो पहले तो हम क्या कहते हैं, अलबैग का मूड है, अलबैग खाएंगे जाके। और जो मैंने लास्ट टाइम सऊदीया में खाया था और बहुत क्लासी अलबैग ब्रोज है, तो पहले हम बोला खाएंगे क्लासी है और वहाँ पर टाइम भी बहुत लगेगा, रश वगैरह भी बहुत होगा। तो अभी तो पहुंचने के लिए हमारे पास 10 मिनट हैं अभी भी, सो खैर भी दूँ और टेंशन भी पा लो, सही है। इसके इवज मैंने कॉन्ट्रैक्ट उठाया, अब बंदे मैंने हायर करने हैं, उसके बाद उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे, सही ठीक है, कोई बात आनी है मेरे पे आनी है, अगर गवर्नमेंट से कोई बात होगी तो वो भी मेरे पे आनी है। फोन करता है वो, कहता है कि इससे बेहतर है कि एक आधा मिलियन एक्स्ट्रा दे दे इसको, टेंशन खत्म हो। अब वो उन्होंने सैलरी उठाई, उनको पता है पीछे लेबर की लाइन लगी हुई है, हर जगह का यही सीन है ना, मतलब हर जगह का करना है, करो नहीं करना नहीं करो। मैं तो भाग रहा था, मैंने कहा मैं मुझे वापस जाना है यार, छोड़ मैं नहीं, इतने 1200 में मैं खाना पीना करके मुझे 800 रुपया बच रहा है, बिल्कुल ऐसे 50,000 भी नहीं बन रहा है, ऐसे ही है। तो मैंने कहा इससे अच्छा मैं 40-45,000 पाकिस्तान में बना रहा था, वो मुझे 5-6,000 रुपये के लिए या 10,000 के एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसका मुझे क्या फायदा, मैं अपने घर चला जाता हूँ, बच्चों में कम से कम शाम को मैं अपने घर, बिल्कुल ऐसे ही, और अपने मुल्क में रह, अपने मुल्क में हूँ मैं, खुद का बाप हूँ इधर, भाई का जो मुझे बोलते, और ड्यूटी टाइमिंग भी मेरी वहाँ पे क्या थी कि अपनी मर्जी से काम करना है, अपना खुद का काम था, जॉब तो थी नहीं, बिल्कुल ऐसे गाड़ियाँ थी मेरी अपनी पर्सनल गाड़ियाँ, वो लेके जानी लेके आनी, ट्रांसपोर्टेशन का काम था मेरा। तो मैं भी यार मैं 5-7-10,000 के लिए इधर प्रदेश काटूंगा, बिल्कुल ऐसे मुझे क्या फायदा, मुझे वापस मैं वापस चला हूँ। उसने मुंबई मॉल में एंटर हो चुके हैं और वर्ल्ड बिगेस्ट मॉल है मेरे ख्याल से ये, और इनका दुबई एयरपोर्ट भी वर्ल्ड बिगेस्ट एयरपोर्ट है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, और एंटर हो चुके हैं। अब यहाँ हम ढूंढ रहे हैं अलबैग, जो कि मेरे ख्याल से है भी कि नहीं, नई आइडिया, बट अलबैग रोज हम ढूंढ रहे हैं तो वो मिल जाए, उसके बाद उसके लिए भी हमें बहुत वेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें बर्ज खलीफा देखने जाना है। और ये टर्की फेस्टिवल है जो कि इतनी आसानी से मिलती नहीं है, ये हमने ले लिया अभी फिलहाल तो। अब ये सब कुछ चलता रहेगा बहुत देर तक, लेकिन अच्छा है, खैर है यार। वी रीच दुबई मॉल, क्लासी व्यू, और दुबई मॉल पहुंच गए हैं, और अलबैग इधर है या नहीं, अलबैग इधर है सेकंड फ्लोर पर, शुक्र अलबैग इधर। और पहले हमने खाना खाना क्योंकि हमने बहुत भूख लगी है और अलबैग की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई है, तो पहले हम रोज खाएंगे एंड देन फिर हम आगे बुर्ज खलीफा देखने भी जाएंगे। तो खैर ट्रिप तो मेरे पैसे तो पूरे हो गए क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, क्योंकि खाना पीना तो चलता रहता, बट ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती जो कि ये है इनकी मेन चीज़ें। सो अभी हम अलबैग के लिए जा रहे हैं, तो देखते हैं कितनी देर में सेकंड फ्लोर पे, तो देखते हैं हाँ 5 मिनट में पहुँच जाएंगे, फिर उसके बाद उसका वेट करना है सबसे बड़ा।
वाल बैक में तो बहुत ज़्यादा रश था, तो इसीलिए हम लोग के एफ सी आ गए और के एफ सी पे अभी ऑर्डर देख रहे हैं और देखें। और ये जॉली बी भी है, जॉली बी पे बोल रहे हैं, देखते क्या सीन है यार, जो भी है। नहीं मेरे लिए बर्गर ना कराइए, मेरे लिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि खाएं क्या, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ही नहीं समझ में आ रही किसी को। बर्गर है और लाइन इतनी लगी है कि ऐसा लग रहा है कि लोग भूखे हैं तीन चार दिन से यहाँ पर। और अलबैग की तो बात ही नहीं करें, अलबैग पर तो 150 बंदा लाइन लगा के खड़ा हुआ लेने के लिए, उसको हासिल करने के लिए हमें 1.5 घंटा चाहिए। तो खैर अब हम आ गए आगे, पीछे भी बहुत लाइन लगी है, सीन ये हर जगह बहुत रश है, तो इसलिए मैंने हार्डीज चूज़ किया और हार्डीज पे खड़ा हूँ। लेडीज सामने को पता है, और मैंने एक डिलक्स मेरे ऑर्डर किया, क्योंकि पता नहीं कैसा होगा, कराची में तो बहुत बकवास है हार्डीज, बट यहाँ क्या पता अच्छा, जो कि 26 AED 26 धर्म का है। और सीनी की प्लेट करो तो बहुत ज़्यादा जाता है, तो खैर क्या अगर भूख नहीं थी तो खाने का था कुछ, इसीलिए हार्डीज ऑर्डर किया और अब आएगा बस 5 मिनट में। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बुर्ज खलीफा और यहाँ रश ही रश है बहुत ज़्यादा, और पैर रखने की भी जगह नहीं है। और सीन ये है कि फाइनली पहुंच तो चुके हैं और बहुत सीन ये रस्ते पर हमें लेके आए, उनको सारे रस्ते पता है। सो अब हम देखेंगे, यहाँ मेरे ख्याल से वाटरफॉल भी होता है और क्या कहते हैं इस पर म्यूज़िक भी लगता है, तो वो देख रहे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का।